यहाँ पर आते हो तो आपका ये कर्तव्य है कि आप अच्छी तरह पढ़ें। पहला काम तो आपका पढ़ना ही है। उसके बाद आप इस विद्यालय में आते हो, जितने ये स्कूल जितना भी है इसको साफ सुथरा और स्वच्छ रखना भी आपका कर्तव्य है। अगर आप इसको स्वच्छ नहीं रखेंगे तो फिर आप में और बाहर वालों में क्या फर्क रहेगा। इसी प्रसंग में मैं एक कथा सुनाऊंगा छोटी सी। एक बार एक पेड़ पर कुछ पक्षी बैठे हुए थे, तो वहां पर कोई व्यक्ति गुजरता है तो वो देखता है कि पेड़ पर आग लगी हुई है, लेकिन जो पक्षी हैं फिर भी उसी पेड़ पर बैठे हुए हैं। अब पक्षियों के पास तो पंख हैं, वो तो उड़ भी सकते हैं, लेकिन वो उड़ते नहीं है। तो वो व्यक्ति उन पक्षियों से सवाल करता है कि आग लगी इस पेड़ में, आग लगी इस पेड़ में, झरझर गिरते पात, तुम क्यों जलते पक्षियों, तब जब तब पंख तुम्हारे पास, तुम क्यों जलते पक्षियों जब पंख तुम्हारे पास। वो कहता है कि जब तुम्हारे पास पंख है और इसमें आग लगी हुई है तो तुम उड़ क्यों नहीं जाते। तो पक्षी आगे से उत्तर देते हैं, पक्षी कहते हैं कि फल खाए इस पेड़ के झरझर गिरते पात, फल खाए इस पेड़ के झरझर गिरते पात, धर्म हमारा यही कहे हम जले इसी के साथ। तो अब बच्चों इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि आपका जो कर्तव्य है वो इस विद्यालय के प्रति है, इसको स्वच्छ रखो। कई बच्चे मैं देखता हूँ कि क्लासरूम में भी च्युइंगम खाएंगे और वहीं जहाँ बैठे हैं वहीं थूक रहे हैं, ये कहाँ की सभ्यता है। फिर आप में और जो बाहर लोग रहते हैं जो एजुकेटेड नहीं है उनमें और आप में क्या फर्क रहेगा। इसलिए इस पर विचार कीजिए और अपने गुरुजन जो आपको बोलते हैं उनकी आज्ञा को मानिए। इस संसार में जिसका माता पिता और जिसके गुरुजन उससे संतुष्ट हैं उसे कोई सफल होने से रोक नहीं सकता है, इसलिए प्रयास करो। मैंने एक दिन सेवंथ क्लास को बोला था कि सुबह उठकर प्रातः उठकर अपने माता पिता के चरण स्पर्श करो। हालांकि कुछ बच्चों ने कहा कि ये हमारे कल्चर में नहीं है। जी जिनके कल्चर में नहीं है अलग बात है, हो सकता है कुछ अलग कल्चर हो, जिनके है माता पिता के सुबह उठकर रोज चरण स्पर्श करो। अगर माता पिता प्रसन्न हो गए तो सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। धन्यवाद।